दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी बेसिक जरूरत से रिलेटेड है और वो बेसिक जरूरत है पानी। दोस्तों आप खुद जानते होंगे पिछले कई सालों से हमारे देश के अंदर वाटर पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है जिसकी वजह से हर जगह पे पीने लायक पानी अवेलेबल नहीं होता। अगर हम हमारे घर की बात करें तो वहां पर हम पानी उबाल कर या फिर फिल्टर करके पी लेते हैं, लेकिन जब भी हम घर से बाहर होते हैं तो हम मोस्टली पैकेज वाटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो भी फंक्शंस होते हैं, पार्टीज होती है, वहां पर भी पैकेज वाटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पैकेज वाटर की जो इंडस्ट्री है वो लगातार ग्रो कर रही है और फ्यूचर में भी इसमें ग्रोथ रहने वाली है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं वो बिजनेस आइडिया है आरओ वाटर बॉटल एंड फिल्ट्रेशन प्लांट के बारे में। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एक्वा फिल्टर कंपनी के फाउंडर आज हमारे साथ हैं जिनका नाम है अभय जी। उन्होंने हमारे देश में बहुत सारे लोगों को एम्पावर किया, इस तरीके का प्लांट सेटअप करने में मदद की। तो हम डायरेक्टली उनसे बात करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको सारी जानकारी मिल जाए और आप भी इस बिजनेस को इजीली कर पाएं। दोस्तों ताकि अगर वो ये बिजनेस शुरू करना चाहें तो इजीली कर पाएं और अच्छे खासे पैसे कमा पाएं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और साथ ही साथ में आप क्या करते हैं वो भी सबको बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे हूँ और मैं 10 साल से वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में हूँ। मेरा बिजनेस है ये आपको लोगों को वाटर बॉटल प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, पैकेजिंग मशीन्स, पानी से रिलेटेड सारी मशीनरी मैं सेल करता हूँ। देखिए कुछ ऐसे सवाल है जो बहुत ही बेसिक है, हर इंसान के जहन में आते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि जो मिनरल वाटर होता है और आरओ वाटर होता है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सर देखिए पहले के समय में आज से 2-4 साल पहले नॉर्मल आरओ वाटर चलता था, अब मिनरल वाटर ट्रेंड में आ गया है क्योंकि आरओ वाटर में मिनरल एडेड नहीं होते हैं, तो उनमें मिनरल बढ़ाने के लिए अलग से फिल्टर्स आते हैं जो कि हम लोग की मशीनरी में एड ऑन कर देते हैं तो वो मिनरल वाटर बन जाता है। और सर मैं ये जानना चाहूंगा जो म्युनिसिपैलिटी का पानी हमारे घर में आता है तो क्या उसको भी फिल्टर करना पड़ता है, डायरेक्टली हम पिएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती? सर जो म्युनिसिपैलिटी का वाटर होता है वो क्लोरिनेटेड वाटर होता है, मेडिकेटेड होता है एक तरीके से, उसमें बैक्टीरिया किल करने के लिए दवाई डाली जाती है, ना कि वो आरओ वाटर होता है, वो ट्रीटेड नहीं होता है, बस ये होता है वो मेडिकेटेड होता है। तो सर आप ये बता सकते हैं कि जो म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है उसमें और आरओ वाटर में क्या डिफरेंस होता है? सर जो म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है वो भी समरसेबल से ही निकाला जाता है, मतलब जमीन से ही निकाला जाता है। अच्छा, उसको ये बड़े टैंक में गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े टैंक बने होते हैं उसमें स्टोर करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें दवाइयां डाल दी जाती है ताकि किसी प्रकार का बैक्टीरिया या क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में पानी होता है उसमें पहले का भी पानी होता है, अभी जानते हैं जो ऊपर वाली टंकियां होती है वो जल्दी इतनी साफ नहीं होती है, तो इस वजह से उसमें दवाइयां डाली जाती है जिसको हम लोग क्लोरीन कहते हैं, तो क्लोरीन की लिक्विड भी आती है और गोलियां भी आती हैं उनमें डाल दिया जाता है ताकि बैक्टीरिया मर जाए। और आरओ वाटर जो होता है, आरओ वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, इसके लिए पूरा प्लांट लगाया जाता है, ये ड्रिंकिंग वाटर मेनली हो जाता है। इसका टीडीएस हमारा होता है मैक्सिमम 50 और जो हमारा नॉर्मल बोरवेल का वाटर होता है उसका कहीं का 300 होता है, कहीं का 500 होता है। अच्छा, तो आप खुद देख सकते हैं इंप्योरिटी लेवल कहाँ 500 कहाँ 50। सर पीएच तो 6.5-7 होता है जो कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए बेस्ट होता है। अच्छा अच्छा, और मानी जानी कंपनियां भी इतना ही मतलब पीएच देती हैं और जो टीडीएस देती हैं वो अप्रॉक्स 25-50 देती हैं जो कि हमारी मशीनरी सेम टू सेम आपको निकाल करके देंगी। मैं इसका दावा लिखित में लिख करके देता हूँ कि आपको जैसा पानी चाहिए वह वैसा मैं आपको निकाल कर दूंगा मशीन से। अच्छा अच्छा, और इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा देखिए जो एक बार फिल्टर करने के बाद में जो आरओ वाटर होता है उसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है, कितने दिन तक वो चलता है? ये सर बिक तो 10-15 दिन में जाता है, पानी से ज्यादा कहीं पर भी नहीं रुक सकता, लेकिन मैक्सिमम डेट इसकी होती है 6 महीने, 6 महीने की उसकी एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये जो पैकेज वाटर होता है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है, मतलब वो फटाफट बिक जाता है, उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो सर जी जी जी, तो सर मैं अभी आपसे जानना चाहूंगा, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए अगर किसी को ऐसा प्लांट इंस्टॉल करना है तो कम से कम उसको कितने स्पेस की जरूरत होगी? मशीनरी इंस्टॉलेशन आपकी 2000 स्क्वायर फीट में हो जाती है। अच्छा, और उसमें भी स्पेस थोड़ा बच जाता है, लेकिन अगर आपके पास 2000-4000 स्क्वायर फीट एरिया है तो आप ये मानिए कि आपको स्टॉक रखने में भी बड़ी आसानी होगी। तो आपके कहने का मतलब है कि 2000-4000 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए अगर ऐसा कोई प्लांट लगाना है? जी सर बिल्कुल। और सर आप इसमें भी गाइड कीजिए कि ऐसा प्लांट इंस्टॉल करने के लिए हमें मिनिमम या फिर मतलब कितनी मशीनरी की जरूरत पड़ती है? सर इसमें हमें टोटल 6 मशीनरी चाहिए होती है जो कि हमारी मशीन की प्रोसेसिंग में काम आती है, वाटर प्यूरिफिकेशन से लेके बॉटल पैकेजिंग तक की सारी मशीनें हमारी। तो आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं मतलब कौन सी मशीन कैसे, अगर आप थोड़ा सा बता पाए? नहीं सर बिल्कुल बताएंगे। देखिए सबसे पहली मशीनरी हमारी आती है बॉटल ब्लोइंग मशीन जो कि हमारी बॉटल मैन्युफैक्चरिंग में आती है, ठीक है। अच्छा, उसको लगा के हम बॉटल मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक हमारा आ जाएगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसको हम लोग आरओ प्लांट बोलते हैं। अच्छा, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाएंगे। उसके बाद हम एक मशीन लगाते हैं वाटर बॉटल फिलिंग मशीन जो कि हमारी एक मशीन जो है 1 घंटे में 2400 बॉटल्स का प्रोडक्शन करती है। और उसके बाद हम लगाएंगे इसमें स्टिकर लेबलिंग मशीन जो कि हमारी ब्रांड की लेबलिंग करती है। उसके बाद में हम लगाते हैं इसकी ग्रुप पैकिंग मशीन
जो कि बॉटलों को बंडल में, आपने देखा होगा पॉलिथीन के बंडल्स में 12-14 बोटलें जो पैक होती हैं, राइट राइट, उसको पैक करने की भी एक इंडिविजुअल मशीन आती है, और आपको एक डेट प्रिंटिंग मशीन यानी कि जो बैच कोडिंग मशीन बोलते हैं, जो कि उस पर एक्सपायरी, MFG, MRP ये सब प्रिंट करती है, और ये सारी मशीनरी हमारी 1 साल वारंटी के साथ आती है। हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंडिया में भी मेरी इंस्टॉलेशन अच्छी खासी है। ये जानना चाहेंगे कि जैसे ये प्लांट लगाने के बाद में जो मेनली रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो एक तो पानी होता है, और दूसरा बॉटल बनाने के लिए जो आपने कहा कि ये जो बॉटल ब्रूइंग मशीन होती है तो उसके अंदर जो चीज डाली जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसको प्रीफॉर्म कहते हैं सर। वो प्रीफॉर्म आती है, एक तरीके से कैप्सूल होती है, इतनी बड़ी बड़ी ट्रांसपेरेंट कैप्सूल होती है, उसमें ऊपर चूड़ी बनी होती है ढक्कन के लिए। अच्छा। उसको मशीन में हम लोग इंसर्ट करते हैं और बटन दबाते ही वो बॉटल के रूप में बनके बाहर आ जाती है। तो ये मतलब मान लीजिए अगर कोई आपसे कॉन्टेक्ट करता है और ये प्लांट इंस्टॉल करवाता है, सो ये जो बॉटल्स होगी, मतलब ये जो आपने प्रीफॉर्म कहा, ये आप ही प्रोवाइड करते हैं कि आप उनको डीलर का नंबर देते हैं कि वहां से वो ले सकते? देखिए प्रीफॉर्म्स मेरे पास भी है और मैं आपको आपके नियर बाई डीलर्स का भी नंबर दे दूंगा। देखिए मैं आपको चाहता हूँ कि बेस्ट चीज मिले आपको, मैं हर तरीके से मार्केट एक्सप्लोर करके दे दूंगा। आप चाहो डीलर से भी लो, आप चाहो मुझसे भी लो। सर जैसे कि आपने बताया 6 मशीन की जरूरत पड़ती है, तो ये पूरा प्लांट इंस्टॉल करने के लिए हमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होता है? सर इसमें हमारा 28 लाख से मशीनरी की स्टार्टिंग हो जाती है। अगर आप फैसिलिटीज या प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जैसे कि कुछ मशीनें अगर अपनी ऑटोमेटिक कर देते हैं आप, तो उसमें आपका फिर 40 लाख 42 लाख तक ही पहुंच जाता है। तो बेसिक स्टार्टिंग मेरी मशीनों की 28 लाख से है सर। अच्छा, तो आपने कहा 28 लाख रुपए से लेकर 42 लाख रुपए तक का इसमें कॉस्ट पड़ जाता है मशीनरी का। जो पानी होता है तो वो जो म्युनिसिपैलिटी का पानी होता है उसे ही यूज करना पड़ता है या इसके लिए बोरिंग वगैरह का बनानी पड़ती है आपको? सर एक इसकी अपनी इंडिविजुअल बोरिंग करानी होगी जो कि 2 HP की होती है, समरसेबल बोरिंग होती है नॉर्मली, इसमें 50,000-80,000 तक का स्पेंड आ सकता है आपका। अच्छा, लेकिन ये आपकी सेल्फ बोरिंग होगी, फिर उसमें किसी का आपको जरूरत नहीं है। तो अभी बोरिंग है तो फिर तो इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत पड़ेगी, तो सर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है इसमें 2 HP। तो मान लीजिए ऑन एन एवरेज एक दिन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो जाती होगी, कितने रुपए की या कितने आपकी सारी मशीनों का पर आवर 20, ये मानिए 250 यूनिट आपका पर डे का कंजप्शन होता है इसमें, 250 यूनिट पूरे दिन का। और अगर आपकी मशीन करेक्ट 10 घंटे चली तो ऐसे भी हो सकता है किसी किसी लोकेशन में इलेक्ट्रिसिटी हमेशा अवेलेबल नहीं होती, तो उसके लिए क्या इन्वर्टर या कुछ ऐसे कुछ लगवाना पड़ता है? हाँ सर, जेनसेट आते हैं, जेनसेट लगाया जा सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जेनसेट से प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसमें आपने बताया कि रॉ मटेरियल में तो एक तो पानी हो गया, तो वो उसके लिए आप बोरिंग करवा लेंगे तो आपको पानी मिल जाएगा, और प्रीफॉर्म्स आपने बताया वो आप उनके डीलर के नंबर भी दे सकते हैं या फिर आपसे भी लिए जा सकते हैं, और उसके बाद में प्लांट इंस्टॉल करने के बाद में इजीली बॉटल, मतलब बॉटल बनाकर उसमें पानी को पैक करके मार्केट में बेचा जा सकता है। सो आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट बताया 28 लाख रुपए से लेकर 42 लाख रुपए, अगर मैं टोटल बात करूं मतलब बिजनेस शुरू करने के बाद में वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत पड़ती है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे मान लीजिए किसी ने 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसके बाद में उसके पास कितने पैसे और होने चाहिए बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए? देखिए सर मैक्सिमम आदमी को 5-7 लाख तो रखना पड़ेगा अपने पास, क्योंकि मैं बताऊं जैसे कि आपने बोतल का प्रोडक्शन किया, उसमें आपका मटेरियल और लेबर लगा, ठीक है, बराबर, वो मार्केट में चला गया आपका, तो आपके पास बाकी का स्टॉक भी होना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट में जब सप्लाई करते हैं तो आपको भी पता है कि आपका लिक्विड में तुरंत मनी आ जाता है, क्योंकि आपको उधर से प्रीफॉर्म ऑर्डर करना है और रोज का माल आपके पास स्टॉक भी है, क्योंकि आपकी पर डे जो है आपकी 24,000 बोतलें निकलती हैं अगर आप 8-10 घंटे मशीन चला रहे हैं तो। अच्छा, तो आपके पास 7-8 लाख रुपए का तो रॉ मटेरियल आपके पास होना ही चाहिए। ये रॉ मटेरियल की बात करें, मैं टोटल बात करूं, जैसे कि अभी देखिए जो स्टाफ काम कर रहा है उनको भी सैलरी भी देनी होगी, फिर अगर किसी का लैंड, नहीं सर मैं बताऊँ सैलरी वगैरह का क्या रहता है, ये तो मंथली बेसिस पे होता है, तो इतनी तो इनकम रोज के हिसाब से होती है, इसमें बचत बहुत अच्छी है, 70-75 हज़ार रुपए अगर आप 8 घंटे मशीन चला रहे हैं तो आपका ऑन एन एवरेज आराम से निकलता है। अच्छा, मैं एक्चुअली आपसे वही पूछने वाला था कि अगर कोई ये प्लांट इंस्टॉल करवाता है तो क्या प्रॉफिट मार्जिन होता है, कितना पैसा कमाया जा सकता है? मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने 2400 बोतल एक घंटे में आपकी मशीन निकाल रही है, आपने 8 घंटे मशीन चलाई तो 19,200 प्रोडक्शन हो रहा है, आप 19,000 मान लीजिए, और 19,000 बोतल अगर आप 8 रुपए, लोवेस्ट रेट है सर 8 रुपए, अगर आप 8 रुपए में भी बेचते हैं, वैसे तो 10-11 रुपए हर जगह का रेट है, क्योंकि अब हर जगह प्लास्टिक भी महंगी हो गई है, हर आदमी को पता है, तो इस वजह से अगर आप लोवेस्ट 8 रुपए भी अपना मान करके चलते हैं तो आपका 1.5 लाख रुपए इनकम हो रहा है, जिसमें आपकी 50% से ज्यादा लागत नहीं आती है। मैं ज्यादा ज्यादा बता रहा हूँ, आती 40% है लेकिन मैं 50% लागत मान लेता हूँ, फिर भी आपका 70-75 हज़ार रुपए रोज का बच रहा है। तो मतलब आपके कहने का मतलब है जो बॉटल मतलब पूरा पैकिंग के बाद में होलसेल प्राइस में बिकती है 8-10 रुपए में, वैसे आपने कहा प्लास्टिक का प्राइस बढ़ गया तो 10 के आसपास ही बिकती है, तो उसका मेकिंग कॉस्ट मैक्सिमम पड़ता है 4-5 रुपए सर, 3.5-4 रुपए बस। अच्छा मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम 4 रुपए हो, आप बहुत हैवी बोतल बना दोगे तब आपकी 4 रुपए कॉस्टिंग आएगी, हालांकि इतनी हैवी बोतल यूजुअली नहीं बनाई जाती है। अच्छा अच्छा, तो इस वजह से आपका मैक्सिमम जो आएगा वो 4 रुपए कॉस्टिंग आएगा, इसके ऊपर तो आ ही नहीं सकता। तो इसके अंदर लेबर इलेक्ट्रिसिटी सारा चीज है आपने इंक्लूड कर, सब कुछ इंक्लूडेड है सर, सब कुछ। कोई भी आदमी अगर नया बिजनेस शुरू करता है तो उसको स्टार्टिंग में तो मार्केट के बारे में पता नहीं होगा,
तो वो कैसे मार्केट में नए नए कस्टमर्स को ढूंढेगा, मतलब क्या आपकी तरफ से कोई हेल्प मिल सकती है उनको? सर मेरे तरफ से मैं बहुत अच्छी हेल्प करता हूँ, मैं वेब मार्केटिंग पूरी करके देता हूँ, वेबसाइट बना करके देता हूँ। अच्छा। और आपको गूगल लिस्टिंग दूंगा जिसकी एक अच्छी खासी रैंक होगी, जिसको अगर आप मार्केट में पेड कराने जाओगे तो आपका ओवरऑल 2-3 लाख रुपए का एक्सपेंस आएगा। हमारी कंपनी ये पूरा फ्री करके देगी आपको, एक्वा फिल्टर की तरफ से आपको ये फ्री मिलता है। अच्छा। इसके अलावा आपको मार्केटिंग के लड़के रखने होंगे, बेवरेज लाइन के मार्केटिंग के लड़के आपको अरेंज करने होंगे। अगर आपको नहीं होते हैं तो मैं आपको ऑल इंडिया लड़के प्रोवाइड करूंगा, सेल्स के बंदे जो बेवरेज लाइन के ही होंगे। अच्छा। 2-3 साल एक्सपीरियंस बंदे होंगे, वो मेरे रिस्पांसिबिलिटी लेता हूँ। अगर आप नहीं अरेंज कर पाते तो मैं करके दूंगा। और इसके अलावा आपकी लोकल एरिया में एडवर्टाइजिंग शॉप टू शॉप वो नॉर्मली हो जाती है, क्योंकि फैक्ट्री बड़ी चीज होती है। आपके पास जो काम मांगने आएंगे वो खुद ही जानते होंगे कि मुझे माल ही सेल करना है यहाँ पे। भाई जो गाड़ी चलाने आएगा या मार्केटिंग का लड़का आएगा तो उसको तो पता है कि मुझे माल ही बेचना है। तो इसके तो मैं बताऊं, डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं पर डे, आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर आपका 500-600 कार्टन लेता है पर डे। और सर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये प्लांट इंस्टॉल करने के बाद में कम से कम कितने एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती है, मतलब पूरे प्लांट को मैनेज करने के लिए? मशीनरी में आपको 6 एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती है। अच्छा। और उसके बाद आप गाड़ियों पे रखेंगे तो एक हेल्पर एक ड्राइवर आपको चाहिए होगा। शुरू में आपको 1-2 गाड़ी लेनी पड़ेगी। अच्छा। अगर स्टार्टिंग में आप एक गाड़ी भी ले लेते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन 2 ले लेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो सर अभी मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि अगर कोई नया आदमी ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप उसको क्या सलाह देंगे, कैसे उसको शुरू करना चाहिए? सर अगर आप हमारा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। अच्छा। मैं आपको हर तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कराऊंगा। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी तरीके की दिक्कत हो, आप मुझसे कंसर्न करो। अच्छा। जो मेरे लेवल पे होगा मैं करके दूंगा। मशीनरी की मैं गारंटी लेता हूँ कि मशीन मेरी अच्छी क्वालिटी की होती है। अच्छा। 1 साल तक तो आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 साल तक की 1.5 साल तक की मशीनरी एकदम थॉरली रन करती है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपकी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती तो विदिन 24 आवर्स मैं आपकी मशीनरी की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। सर मैं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ मेनली कस्टमर से। अच्छा। मैं उनको पहले बोल देता हूँ कि आप या तो हमको AMC दे दो। अच्छा। और या तो फिर अगर आप चाहो तो अपने सेल्फ पे भी कर सकते हो कि जब कंप्लेन है तब मुझे बताओ। तो मेनली लोग हमें AMC ही दे देते हैं, तो उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, एक विजिट पर ही सारी छोटी मोटी चीजें चेंज करा देता हूँ। मैं रिपेयरिंग नहीं कराता कोई चीज, क्योंकि रिपेयरिंग में क्या होता है बाद में भी खराब हो सकती है। और प्रोडक्शन लाइन ऐसी है, आप खुद समझ सकते हो, रोज आपका 1.5 लाख रुपए का अगर माल बिक रहा है, आपकी मशीन एक दिन भी बंद रहेगी तो कितना बड़ा लॉस होता है। तो सर आपने इस बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, तो मैं आप सभी को ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ये प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप अभय जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और साथ ही साथ इनकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप सिंपली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको और भी किसी तरीके की गाइडेंस की जरूरत है तो एनी टाइम आप इनको फोन कर सकते हैं, ये आपको जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच सर आपका कीमती समय देने के लिए और हमारे चैनल पर जितने भी व्यूवर्स हैं उनको ये प्रीसियस नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।